Assalamu Alaikum my dear students Dear students we are going to straight away start our T2 preparations With the chapter that is sound Sound We are going to start with the chapter that is sound As far as its definition is concerned Here definition I Simple definition what is This it is a form of an energy It is a form of an energy And rather which energy It is a mechanical energy okay? Later I will tell you why we have written this mechanical energy here एंड ये जो साउंड है जैसे कि आपको पता है कि लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एन एनर्जी हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एन एनर्जी सेम वे साउंड इज फॉर्म फॉर्म ऑफ ऑफ एन एन एनर्जी दैट्स आई इट्स एनर्जी अब कौन सी एनर्जी है ये दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी विच ट्रैवल्स अब ये प्रोपागेट कैसे करती है फ्रॉम द वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब जब मैं बोल रहा हूं तो आपके कानों तक ये साउंड पहुंच रही है पहुंच रही है कैसे पहुंच रही है कौन सी फॉर्म लेती है ये?

ठीक छा गोबर ओके हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एन एनर्जी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस ओके सिमिलरली ये जो साउंड है साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एन एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जैस ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ एन वेव्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ वॉट येस कॉज ऑफ हेयरिंग कॉज ऑफ हेयरिंग और ये भी हम कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स डेट ट्रेवल्स इन द वेव्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ हेयरिंग हेयरिंग सुन सकते हैं विदाउट साउंड वी कैन नॉट हेयर आर यू गेटिंग मी साउंड प्रोपगेट करेगी एज फून एज इट ट्रावल्स इन द एयर इन द मीडियम ओके एंड रीच स्टार ईयर्स दैट जब हम ये जब ईयर तक पहुंचती है तो वहाँ पे जो फिन होते हैं फिर वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इन द ईयर एंड हम ये सुन सकते हैं कोई बात हम सुन सकते हैं ठीक है गोबर सिंपल डेफिनेशन साउंड की अब क्वेश्चन है हमारा ये व्हाट इज वट इज एक्चुअली वेव व्हाट एक्चुअली वेव इज आपने तो कहा सर दी ये तो वेव ट्रेवल कर रही इन द फॉर्म ऑफ्स वेव्स होते क्या हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द वेव अबाउट द ओके okay. अगर मैं वेव की बात करूंगा गोबर आपने मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूंगा अगर आप किसी स्टिल वॉटर में पेबल डालोगे इन द वाटर दैट इज स्टिल दैट इज एट रेस्ट ठीक है गोबर वहां पे क्या होगा एज सुन एज यू ड्रॉप अ पेबल इन दैट वाटर देर हैपन्स टू बी द रिपल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ द रिपर्स वर्लपूल जिनको कहते हैं हम ठीक है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की शक्ल में उनको हम्स कहते हैं शकल में वो क्या करते हैं बन जाते हैं सो so, मैंने क्या किया मैंने एक्चुअली डिस्टर्ब किया उस स्टेट को मतलब मैंने सो so, वेव क्या होती है सिंपली इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टर्बंस इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बंस इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इन द मीडियम आर यू गेटिंग मे बेटा पूछ सको ब्याख एग्जाम्पल दिन बहुत सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है स्ट्रिंग छो पाई धागा इसको मैंने फिक्स किया ठीक है ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी this is a string when i have fixed this string to end points okay ab main kya kar raha hu main isko disturb kar raha hu with or uh, with my hand when i disturb with my hand string ka kya hoga string will take the shape of like this ye up down karegi up down karegi so yahan पे क्या हुआ? yahan पे disturbance हुई. disturbance create हुई किसी medium में. are you getting me i am doing this in air किसी medium में disturbance हुई. जब डिस्टर्बेंस हुई तो वहाँ पे क्या बनी वहाँ पे एक वेव बनी एक वेव की ट्रैवल वेव फॉर्मेशन हो गई फॉर्मेशन बन गई सिंपल इट्स ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इज़ हैपनिंग इन द मीडियम दैट इज़ प्रोड्यूसिंग इन द मीडियम दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम अब एक्चुअली अगर मैं फ़िजिक्स ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी वेव में हो, होता क्या है एक्चुअली वेव में एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट uh, करना है वेव इज़ यस इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ओके होता क्या है एक्चुअली एक्चुअली देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है सो आई कैन राइट इट एज वेल इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम दैट ट्रांसफर्स दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम दैट ट्रांसफर्स

ओके okay, यहाँ पे मूवमेंट पार्टिकल्स एक पॉइंट से लेके दूसरा दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंचता है क्या होता है यहाँ पे ये पार्टिकल ट्रांसफर करेगी एनर्जी इस पार्टिकल एज ए रिजल्ट ऑफ इट व्हेन व्हेन वन वन पार्टिकल ट्रांसफर एनर्जी टू दर अनदर विल ट्रांसफर टू द अनदर सेम विद टू बी द फॉर्मेशन ऑफ अ पैटर्न वेर इन डिस्टर्बेंस और वेरिएशन हैज प्रोड्यूस्ड एंड दैट डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इज सिंपली कॉल्ड एज अ वेव

सेम ये जो वेव होती है वेव में भी क्या होता है वेव में भी मूवमेंट ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं होती है अगर आप साउंड साउंड क्या होती है साउंड में भी मूवमेंट ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं होती याद रखो वहां पे भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वहां पे भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है मगर पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो दैट गेट दैट मूव रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वो मूव नहीं करेगा वो अप डाउन करेगा या टू एंड थ्रो करेगा लेकिन रहेगा वहीं पर वही पे ठीक है दैट एक्चुअली ट्रांसफर्स द एनर्जी सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है इट्स एक्चुअली विदाउट द नेट मोमेंट ऑफ ठीक है विदाउट द नेट मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स ठीक है सो वेव हमने अंडरस्टैंड uh, किया वेव इज एक्चुअली द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम अगर आप वाटर की बात करोगे वो आपने ड्रॉप किया एक पेबल वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो वेव बनी स्ट्रिंग में आपने ये व्हाट uh, डिस्टर्बेंस uh, की विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर सो वहां पे स्ट्रिंग वेव बनी Are you getting me? Simply, it's a kind of disturbance. So what is it? It's a form of an energy which rather which form of an energy? It's a mechanical energy. So it's a form of mechanical energy. If I say it's a form of a mechanical energy that transfers in the form of, that travels in the form of a waves and is responsible for the cause of hearing. Okay. Or the sensation of hearing. But this was the simple introduction about the sound.